का समय है वो 3 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और कुल 10 कमरों में 7 विधानसभाओं की जो है मतगणना होगी। इसमें 3 विधानसभाएं ऐसी होगी जिसमें 2 कमरों में काउंटिंग होगी, जिसमें बायतू है और सिवाना है और चौटन है। इनमें एक जो रूम होगा उसमें एआरओ रहेंगे, दूसरे रूम में आरओ रहेंगे और बाकी जो 4 विधानसभाएं वो सभी एक एक कमरे में उनकी काउंटिंग होगी। हर कमरे में पोस्टल बैलेट के लिए और ईवीएम के लिए अलग से टेबल्स लगाई गई हैं और जहाँ 2 रूम है वहाँ जो एआरओ का रूम है उसके अंदर सिर्फ ईवीएम की टेबल्स हैं और दूसरे वाले में जहाँ आरओ बैठे हैं उसमें भी पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग होगी। हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स हैं वो 91 टेबल हैं जो ईवीएम की होगी, उसमें काउंटिंग होगी और 33 पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए टेबल्स लगाई गई हैं। कुल टेबलों की संख्या 124 है। तो राउंड्स की जहाँ तक बात है तो अधिकतम राउंड जो कि नंबर ऑफ बूथ जो है पोलिंग स्टेशन है वो सबसे ज़्यादा शिव में है, 406 है और इसलिए सबसे अधिक राउंड शिव में हो रहे हैं। 41 राउंड होंगे, बाकी बाड़मेर में 31, बायतू में 20, पचपदरा में 23, सिवाना में 18, गुड़ामालानी में 28 और चौटन में 23। तो अधिकतम राउंड जो है वो 41 है, न्यूनतम राउंड जो है वो 18 राउंड है और डाक मतपत्रों की भी गणना जो है वो हमारे पास जो कल सुबह 8 बजे के पहले तक जितने डाक मतपत्र प्राप्त हो जाएंगे उन सबको विधानसभा वाइज बांट के, और वो अधिकतम टेबल 6 हैं और न्यूनतम टेबल 3 है किसी विधानसभा में जो लगाई गई है। सिवाना में सबसे कम 3 टेबल हैं, बाकी 2 जगह 4 हैं और बाकी 6 टेबल्स हैं। इस पे भी काउंटिंग के लिए हम राउंड वाइज काउंटिंग 500 का एक लॉट होगा उसमें देकर के इसकी काउंटिंग का काम हम करेंगे। काउंटिंग करने के लिए जो संख्या है वो 405 कर्मचारी हैं जो चाहे वो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं या सुपरवाइजर हैं या काउंटिंग असिस्टेंट है इसके रूप में काम करेंगे। इसके अतिरिक्त ईवीएम मशीनों को लाने के लिए आरओ का खुद का स्टाफ और जो दूसरे असिस्टेंट्स के लिए स्टाफ है वो अलग से होगा। इसके काउंटिंग सेंटर के भीतर कैंटीन की भी व्यवस्था है ताकि जो लोग अंदर रहेंगे उनको चाहे काउंटिंग एजेंट्स हैं और चाहे कर्मचारी हैं सभी के लिए फूड की और उसकी कंपेमेंट व्यवस्था अलग से की गई है और जितने भी जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके सबको पासिस आरओ द्वारा जारी किए जा रहे हैं। अधिकांश पासिस जारी हो चुके हैं, कल शाम तक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी उनके, जो बच गए हैं उनको भी आज या कल में उनको भी रिमेनिंग लोगों को भी हम फील्ड जो है वो पासिस जारी कर देंगे। उनके अलग अलग एंट्री पॉइंट्स भी रखे गए हैं कॉलेज में जो विजिट के समय आपको बताएंगे जहाँ से कहाँ से काउंटिंग एजेंट्स की एंट्री होगी, स्टाफ की अलग से एंट्री होगी और ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ से कि कोई आपस में कंफ्लिक्ट हो या एक दूसरे से कोई परेशानी हो इस तरह की चीज। आठ सात ऑब्जर्वर्स हैं हर विधानसभा वार, जो पर्यवेक्षक हैं जनरल ऑब्जर्वर्स हैं वो हर विधानसभा में एक यहाँ रहेंगे काउंटिंग के दौरान, और उसके अलावा एक ईसीआई से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विशेष पर्यवेक्षक हैं वो अलग से आ रहे हैं, वो कल यहाँ बनाए थे वो भी उसमें मौजूद रहेंगे और उसका पर्यवेक्षण करेंगे जो मतगणना की जो कार्रवाई होगी उसका। मोबाइल फोन जैसा पहले ही मैंने बताया मतगणना केंद्र के भीतर कोई मोबाइल फोन अलाउ नहीं होंगे। मीडिया कर्मियों के लिए जो मीडिया रूम है, मीडिया हॉल है, उसमें आप मोबाइल को रख सकते हैं और इसके अलावा जो हमने मीडिया के लिए अलग से अधिकारी अधिकारी अपॉइंट किए हैं, आईएएस अधिकारी हैं और हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपके लिए मीडिया के भी सहयोग करेंगे और परिणाम जो है वो N4 पे लगातार अपडेट किया जाएगा आरओ के द्वारा। और आरओ लॉगिन से हमने अलग अलग जो टेलीविजन है वो लगा दिए हैं मीडिया रूम में, बाकी सभी जगह से वो उसको रिजल्ट को एक साथ अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का एक साथ प्रदर्शित क्योंकि सर जिला मुख्यालय की काउंटिंग हो रही है 7 विधानसभा की, तो पब्लिक यहाँ पर अपने अपने समर्थक यहाँ पर पहुंचे कोई लिखित शिक्षा व्यवस्था की स्थिति के लिए और कॉलेज तक पहुँचने के लिए कौन से बेहतर। कॉलेज के लिए जो रामूबाई स्कूल है उसके पास में से वहाँ से रास्ता उधर से बंद किया जाएगा और उधर सिंदरी चौराहे से एक तरफ जो ओम मेहता
कार है, भवन है, वो जगह है खुला, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई, और इधर जो आदर्श स्टेडियम में पेशेंट्स की गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई। और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जो एंटाइटल नहीं है, जिनको मोबाइल अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो एजेंट्स और जो काउंटिंग टीम के जो मेम्बर्स हैं, वो अपना मोबाइल घर पर छोड़ जाएँ या अपने व्हीकल में सेफली उसको रखें, ताकि कोई किसी प्रकार के मोबाइल को लूज करने का या खोने की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं है। और हमने सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। पुलिस की व्यवस्था पूरी बैठक लेकर के उसके साथ बात की गई है, और पूरी सिटी में भी व्यवस्था है। बाहर जहाँ बैरिकेडिंग है, वहाँ मजिस्ट्रेट्स की अलग से नियुक्त करने जा रहे हैं, जो कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जो पुलिस के सहयोग के लिए रहेंगे। और अंदर थ्री टायर व्यवस्था है, सिक्योरिटी जो ऑलरेडी है, CATF है, उसके बाद आर्म पुलिस है, और फिर स्टेट पुलिस की व्यवस्था है। ये मतगणना का अंतिम फेज होता है, जिसमें हर विधानसभा में 5 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन होते हैं, उनके VVPAT की मतगणना, जो पर्चियों की बाहर निकालते हैं, पर्चियों की गणना की जाती है, जिसको कंट्रोल यूनिट की जो डेटा है उससे उसको मैच किया जाता है, उसको देखा जाता है। ये हर एक विधानसभा में 5 का।